नमस्कार दोस्तों, दिवाली का समय और आप लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। ये सीरीज मेरी है एमआरपी के ऊपर, विच इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जीएसटी कभी भी एमआरपी के ऊपर चार्ज नहीं हो सकती। आप एमआरपी से कभी भी एक रुपया ज्यादा दुकानदार को देंगे तो वो दुकानदार की जेब में जा रहा है, सरकार की जेब में नहीं। अब मैं आपको कुछ बिल दिखाती हूँ जहाँ पे दुकानदारों ने एक्स्ट्रा चार्ज किया। अब ये देखिए, ये भुजिया का पैकेट है, ये 40 रुपीज का ही इसका एमआरपी है जो मैंने चेक किया, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी और एसजीएसटी लगा के इस बिल को 45 बना दिया गया। तो ये जो 5 रुपीज है ये दुकानदार का फायदा है, ये सरकार के पास नहीं गया। ऐसा ही एक ऑनलाइन बिल मैं आपको दिखाती हूँ, मैं साइट का नाम नहीं लेना चाहूंगी। यहाँ पे उनका एमआरपी था 720 रुपए, इसके ऊपर वो नहीं बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर जीएसटी लगा के इसको 741 कर दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा वेबसाइट ऑनलाइन वाले ने चार्ज किया वो उसकी जेब में गया, सरकार की जेब में नहीं, और आपको लूटा गया, ये आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जीएसटी की कैलकुलेशन होती कैसे है। अगर आपके पास एमआरपी है, आपको सबसे छोटे सी एक चीज ध्यान करनी है कि आप एमआरपी से ऊपर 1 रुपया नहीं देंगे। और अब आप जानना चाहेंगे कि दुकानदार को वो सामान कितने का पड़ता है, तो उसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे है। अगर आप सामान खरीद रहे हैं और दुकानदार उस पर 5% जीएसटी लगाता है, जिसका हम ले लेते हैं एमआरपी 100 रुपए, तो आप एक्चुअल प्राइस दुकानदार का 2 मिनट में निकाल सकते हैं, उसको 100 डिवाइडेड बाय 105, तो ये प्राइस निकलेगा 95.23। ऐसे ही 12% के जीएसटी पे आप उसको 100 डिवाइडेड बाय 112 × 100 करेंगे तो उसका प्राइस 89.28 निकलेगा। ऐसे ही 18 और ऐसे ही 28%, तो जो रेट है उससे उस पर प्लस 100 करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दुकानदार का प्राइस मिल जाएगा बिफोर जीएसटी। अब मैं आपको एक आइडियल बिल दिखाती हूँ। ये आइडियल बिल है जो मैंने कल ही खरीदा है, निविया की एक परफ्यूम है। अब इसका जो एमआरपी था दैट वाज 199, दुकानदार ने इसके ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन की वैसे ही एग्जैक्टली, क्योंकि इसके ऊपर 28% जीएसटी है, तो उसने 199 को 128 से डिवाइड किया तो उसका जो अमाउंट आया वो ये आया। तो उसने मुझे एग्जैक्टली इतना दिखाया कि उसकी कॉस्ट 156 थी, उसने इतना जीएसटी आया और एमआरपी 199 है। दिस इज द बिल दैट यू शुड बी लुकिंग एट। अगर कोई दूसरा दुकानदार होता तो 199 के ऊपर आपको पर 28% जीएसटी लगा लेता तो वो एग्जैक्टली 28 रुपए उसकी जेब में जाते ना, सरकार की जेब में, और आपकी जेब से निकल जाते। दोस्तों, मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि जीएसटी जो है वो एक छोटे बच्चे के जैसे है, जिस जो 9 महीने का बच्चा है जो अभी चलना सीख रहा है लेकिन बार बार गिरता है, तब आप क्या करते हैं, क्या आप उसको कोसते हैं या उसकी उंगली थाम लेते हैं? इसी जीएसटी को अगर 125 करोड़ लोग अपनी उंगली थमा दें तो भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जिसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो जीएसटी को सपोर्ट कीजिए अपनी तरफ से जितना आप कर सकते हैं। नमस्कार।